जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ में। तो फटाफट तैयार हो जाइए आज के वीडियो के लिए। तो आज का टॉपिक है चेदी राजवंश या कलिंग, और हम कुछ यवन जो शासनकाल हुए हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे। फिर फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, इसलिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है आराम से पढ़िएगा। तो बात करें अगर चेदी राजवंश की, तो अशोक की भाई मृत्यु के बाद ऐसा अनुमान लगा जाता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, ठीक। और ऐसा हुआ भी था, तभी लिखा गया कि अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में मिला, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है। और भी मिलती है कि भाई जो खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को भी नहीं मिले ऐसे क्वेश्चन। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये चेदी राजवंश में सिर्फ इतना ही है, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि भारत में यवन राज्य। तो जैसे मौर्य काल, जब मौर्य काल का समापन हुआ, अंत हुआ, तो कुछ जो राजा थे जिनका पहले से भारत पर शासन था या फिर मगध पर शासन था या उसके आसपास के राज्यों पर, साथ ही साथ कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी उस समय भारत के अंदर आए हुए थे, तो उसी के पैरेलल एक देसी राजवंश और एक विदेशी राजवंश दो क्रम चलता है। तो आपने सुंग वंश पढ़ लिया था और सातवाहन वंश पढ़ लिया था ना, तो ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद अभी हम लोग शक कुषाण जो आए थे भारत पर, भारत शासन किया था भारत में, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम लोग भारत के यवन राज्य में कुछ पॉइंट देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक वीडियो करके आराम से समझेंगे। तो भारत पर भाई आक्रमण करने वाले विदेशी यात्रियों का क्रम आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले हिंद यूनानी जो हैं इन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद शक, फिर पहलव और अंत में कुषाण। तो क्रम आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोरस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोरस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जैसे डियोडोरस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी ऑल कीडस तथा हर्मिक्स। तो ये तो राजाओं का क्रम हो गया। इसके बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा। नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, जो आधुनिक सियालकोट के नाम से जानी जाती है, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी, ठीक। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, इतने सारे पॉइंटों के बीच ये पॉइंट निकल के आया है, एक क्रम वाला और एक ये, ध्यान में रखिए इसको। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पहो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। तो ये मिलिंद पहो में अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या है, तो फिर मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन ने उनके जो उत्तर दिए थे वो एक पुस्तक में संग्रहित है, और वही वो पुस्तक है मिलिंद पहो, ठीक। नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम
उदाहरण है। ठीक, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चेद राजवंश, कलिंग और भारत के यवन राज्य और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे। बस इतना ही है इस वीडियो में, आज के वीडियो में। आई होप आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग शक या शकों की बात करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए।